بسم الله الرحمن الرحيم Welcome back after the break. आप दो news के बारे में बात कर रहे थे और वो दो बहुत precaution वाली awareness create करने वाली news हैं. सही है गलत है ये आप इसका फैसला खुद कीजिएगा, लेकिन हमें पता चली तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको इससे अवेयर करें और आपको कम से कम इतना एक जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का जो किरदार है वो हम बता देते हैं. आगे आपका अपना डिसीजन है. लेकिन इसमें इसके बारे में काफ़ी बात की जा रही है सोशल मीडिया पे. सोशल मीडिया ने तो काफ़ी अवेयरनेस फैलाई है, काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं अपने या अगर उनके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ. उससे पहले आई थिंक डॉलमेन सिटी मॉल के बारे में बात करते हैं. डॉलमेन मॉल जो सो कॉल्ड जो एक क्लिफ्टन का मॉल है जिसका नाम कोई नहीं बता रहा था. नहीं, डॉलमेन सिटी मॉल पे जो सी व्यू पे लोकेटेड है, जहाँ पे फेमस हाइपर स्टार कहते हैं, एक नई जगह बनी कराची वालों की, एक नई अट्रैक्शन, एक फैमिली प्लेस थी. बिकॉज वहाँ पे शॉपिंग भी था, वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने की जगह भी है, वहाँ पे खाने पीने की भी जगह है, तो काफ़ी फैमिलीज वहाँ पे आती हैं. मोस्टली फैमिलीज जाती हैं बिकॉज उनको थोड़ा बहुत सेफ लगता है कि इट्स ऑल अंडर वन रूफ. लेकिन जो अभी एक अनफॉर्चुनेट वहाँ पे इंसिडेंट हुआ जिसके बाद काफ़ी लोग जो हैं अब वो डर गए हैं. दिन दहाड़े जी अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन hats off to the Dormant City Mall security. कुछ लोगों ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, वो अगवा को कामयाब नहीं हो सका. और उसके बाद जो फुटेजेस नेक्स्ट डे संडे के दिन न्यूज़ ने एयर की वो माइंड बॉगलिंग थी मेरे लिए, कि वो सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है और वो दिखाया गया है कि वो किस तरीके से वो लोग बाहर निकलते हैं, किस तरीके से वो दूसरी गाड़ी में बैठते हैं और कितने आराम से वो निकल जाते हैं. माशाल्लाह इतने आराम से उन्होंने रिवर्स किए, जैसे मुझे लगता था वो उन्होंने 10 दफा तो प्रैक्टिस की है रिवर्स करी, ड्राइविंग उसमें चला रहे हैं, कार पोश में रिवर्स कर रहे हैं, इतने आराम से वो करते रहे हैं. और यकीनन उसको वहाँ से निकल के वहाँ तक उनको पहुँचने में कोई 15-20 मिनट जरूर लगे होंगे, लेकिन कोई पुलिस नहीं थी, कोई कहीं कुछ नहीं था. ऑल्दो दिस इज वेरी क्लोज टू एक जो ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, एक जो पीछे बैठे थे और एक उनके साथ खातून बैठी थी ड्राइविंग सीट के बराबर आगे वाली सीट पे. पीछे जो थी एक खातून थी बुरके में, एक लड़की थी और उनके साथ एक छोटा बच्चा था, विच अपेरेंटली इन तीनों को वो किडनैप करने आए थे. खुदा का शुक्र है कि वो बच गए. और हमें मुझे ये समझ में नहीं आता, हम ये सुन रहे हैं कि जितने ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं इसमें ये बड़े बड़े लोगों के बिगड़े हुए बेगैरत बच्चे शामिल हैं. और प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा अगर मैं गलत बात करूं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि हमने जो है अगर हम कभी कोई गलत हल्का सा काम करते हैं तो हमारी माँ हमारी चमड़ी उतार देती है मार मार के. और हमारे साथ बचपन से हुआ कि अगर हमने कभी कोई गलत काम किया है तो हमें मार पड़ी है उसकी, और हम आज उसको फ़ख्र से इसलिए कह देते हैं कि उस मार ने हमें एक अच्छा आदमी बनाया है, उस मार ने हम लोगों को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाया है. इसलिए हमें तकलीफ़ होती है कि अगर कोई हमारे सामने गलत काम करता है ना तो हमें उसकी तकलीफ़ होती है. लेकिन ये बेगैरत लोग, एंड आई एम रिपीटिंग दिस, कि बेगैरत लोग जो है दिन दहाड़े इस तरह की हरकतें करते हैं, और जब इनको कोई पकड़ता है तो ये निकलते हैं मिनिस्टर्स के बच्चे. बल्कि इनफैक्ट ये जो ये भी बात कर रहे थे, इसमें भी कह रहे थे कि जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली के ये यही है ना, ये इन्फ्लुएंशियल कौन है, ये हमारे इख्तदार में बैठे हुए लोग हैं, ये इन्फ्लुएंशियल और कौन है, ये वडेरे हैं. जो आप मुझे ये बताइए, चलें ये जो अभी हमने मजाक में बात की थी डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की, जब डिक्टेटरशिप होती है तो इस टाइप के कोई वाकयात होते हैं? नहीं. जब भी डिक्टेटरशिप आई है तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग आपको रोड्स पे नजर आते? No. नहीं आते. जब भी डिक्टेटरशिप आई है खौफ इनके दिमाग में होता है या नहीं होता? होता है कि इनको पकड़ लेगा कोई आके. हम देखते थे जब हम पहले जब हम छोटे होते थे उस जमाने में कराची में कर्फ्यू लगा करता था, और हमें ये होता था कि यार कर्फ्यू में अगर कोई घर से बाहर निकलेगा ना तो उसको पुलिस वाले या आर्मी वाले पहले तो उसको मारेंगे, मुर्गा बनाएंगे, मुर्गा बनाने के बाद उसको किनिंग करेंगे, और अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं सुनेगा तो ठा करके मार देंगे. जी अब उसकी ज़रूरत दोबारा है कर्फ्यू की तो नहीं, आई डोंट नो,
लेकिन जो इस टाइप की हरकतें करता है उसको पकड़ें, उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करें, पब्लिकली उसे मारें। मैं तो मारे क्या, मैं तो कहूँगी पब्लिकली उसको हैंग करें, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ये लोग सुधरेंगे नहीं। और ये सारे बड़े बड़ों की औलादे हैं, और ये जो बड़े बड़े लोग इख्तदार में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों को समझाएं। See why I say it, Zeeshan, because they know that they see very easy for them to get away. Absolutely. Just get away by doing whatever they want. Absolutely. Karachi mein jo is waqt specially jo aapka posh ilaka hai, which includes Clifton and Defence, usme ek khauf hai, ek there's this whole bubble. जिसमें लोग जो हैं वो घरों से निकलने से डर गए हैं, वो अपने बच्चों के साथ कहीं निकलने से डर गए हैं, बिकॉज इतने केसेस सुनने में आ रहे हैं कि बच्चों को स्कूल के बाहर से किडनैप किया जा रहा है, या बच्चों को अगर आपने किसी दोस्त के घर ड्रॉप किया वहाँ से किडनैप किया जा रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जा रहा है, वो आपकी डेली रूटीन को चेक करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी को इंटरसेक्ट करते हैं, आपको उतारते हैं, किडनैपिंग करते हैं। हो ही रहा है कि डॉर्मेंट वाला इंसिडेंट हो गया, लेकिन अभी जो ज़्यादातर 3-4-5 रोज से जो हम सुन रहे हैं वो ये हो रहा है कि यंग बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। उनके हैंगआउट्स प्लेसेस होती हैं, जैसे कि आज हम और आप जब हम दोस्त होते हैं, दोस्त मिल के जाते हैं, कहीं जाके खाना खाते हैं, तो उन जगहों से उन्हें किडनैप किया जा रहा है। हमने ये सुना है कि जी लोगों की गाड़ियों को पहले टक्कर लगाई जाती है, वो जब उतर के आर्ग्यू करने लगते हैं तो उन्हें उठा के ले जाते हैं, और वो टक्कर इसीलिए मारी जाती है कि उनको उठा के किडनैप किया जाए। फिर एक और आपका इंसिडेंट आ रहा है, व्हिच इज द फेमस ब्लैक प्राडो। ये दिस इज सरप्राइजिंग, वी आर नॉट श्योर इफ इट्स कंफर्मड और नॉट, बट यस इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। इट मे बी अ होक्स, बट व्यूअर्स प्लीज बी केयरफुल, वी हैव बीन लिसनिंग टू दीस थिंग्स दैट सम people. Government plated Black Prado. Yes. It's targeting specially female young females jo agar ya to akele gaadiyan drive kar rahi hon ya wo drivers ke sath hon, unko mukhtalif jagahon se intercept karke ya to unki gaadiyon ko rok kar unko kidnap kiya ja raha hai, ya unko kahin cafes ya restaurant mein se pick kiya ja raha hai. They are being gang raped. Yes. And their bodies are being thrown apparently. We still do not have confirmations, but I guess yes, agar aisa koi incident hai to the police officials should come in, you know. Agar wo shayad families nahi bolna chah rahi hain to at least police kabhi nahi kahenge. Right. Wo kabhi nahi kahenge, lekin viewers aap logon ko ye pata hona chahiye ki jo ye halaat hain, please extra caution, be safe rakhein, please extra careful rahein. Kuch dinon ke liye apni activities ko jitna restrict kar sakte hain, jab tak ye इंटरिम सेटअप नहीं आ जाता, ये जब तक ये 16 मार्च गुजर नहीं जाती है, अपनी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्टेड रखिए प्लीज़। जो हालात हैं उसमें जितना अपने आप को इंडोर्स अपने घरों तक रख सकते हैं उतना रखिए, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा रहिए, ज़्यादा बाहर ना जाइए, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल बाहर ना जाइए कुछ दिनों के लिए। खुदा रहा अपने आप को, अगर ये गलत खबर भी है क्योंकि चाहे वो कोई भी हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी बच्ची हो, शी डज नॉट डिजर्व दिस जो आजकल हो रहा है। और हमें सब पता है कि इन इंसिडेंट्स में कौन इन्वॉल्व्ड है, इट इज़ द वडेरा माइंडसेट, जो मैं रिसेंटली कराची में काफ़ी देख रही हूँ कि वो वडेरा जो एक सिस्टम और एक कल्चर आ गया है, उनके गार्ड होते हैं वो भयानक गार्ड होते हैं यार। मैं आपको बता रही हूँ ना, वो कल्चर यहाँ पे आ गया है, इट्स वेरी शॉकिंग to see such people roaming around very freely. अगर मैं डोमिन सिटी मॉल की बात करूँ, इनफैक्ट मैं मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, मैं अभी लास्ट तो दफ़ा जब ज़ीशान में गई हूँ तो जिस तरह का वहाँ पर क्राउड, आप वहाँ का माहौल देखें, वहाँ पर फैमिलीज आ रही हैं अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर देर आर ग्रुप्स एंड बंचेज ऑफ बॉयज़ जो किसी गाँव से आए हैं, बिकॉज यू कैन टेल फ्राम देयर द वे देर ड्रेस्ड अप, जिस तरह से वो औरतों को वहाँ पे देख रहे होते हैं, जिस तरह से वो बच्चों को वहाँ पे देख रहे होते हैं। मैं यहाँ पे आपके मैनेजमेंट से क्वेश्चन करूँगी, हाउ डू यू लेट सच पीपल इनसाइड व्हेन यू नो कि यहाँ पे किस तरह की ऑडियंस या किस तरह का क्राउड आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। प्लीज़ रियली, बट एट लीस्ट यू कैन जस्ट मेक इट अ फैमिली मॉल। You cannot do that. I mean, if you're gonna do that, there's gonna be a huge hustle bustle. Mm-hmm. And well, the hustle bustle is already there. But yes, ऐसा के है, culture spread out हो गया है, और जो ज़ीशान ने बोला है, जो हमें भी और काफ़ी अगर आप देखें तो लड़कियों और औरतों को स्पेशली बोला जा रहा है कि बच्चों को सेफ जगहों पे रखें, आप खुद भी ज़रा अपनी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट करें। अगर ये सच है भी नहीं, सो अगेन लाइक यू सेड, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी केयरफुल। एब्सोल्युटली, इट विल नॉट हार्म एनीथिंग कि अगर आप 10 दिन तक घर में रहेंगे, right. कोई चीज़ ख़राब नहीं हो जाने वाली। प्लीज़ ख्याल रखें और कोशिश करें कि
अपने आप को जब भी आप कहीं अगर निकल भी रहे तो बी विजिलेंट, बी वेरी विजिलेंट कि आपके आसपास से कीप पीपल इनफॉर्मड एज टू वेयर योर अबाउट योर वेयर अबाउट्स एब्सोल्युटली योर लव्ड वंस एंड योर फैमिली वंस प्लीज लेट देम नो कि आप कहां हैं ताकि इन केस यू गो मिसिंग देन दे नो एग्जैक्टली लास्ट यस्टरडे जब ये कल सारा बंद होने लगा तो माय सिस्टर she studies in a medical college and I was worried because she had a viva yesterday and I was like ki wo kahan hai wo ghar pahunch gayi hai ya nahi pahunchi hai my other sister was in university of karachi university I was worried about them to ab kya hamare liye yahi reh gaya hai ki hum pareshani karte rahe hum har waqt is fear mein rahe ki yaar hamare bacche ya hamare ghar ke family members ghar pahunchenge ya nahi pahunchenge dekhen pehle hi hota tha na ki hota tha ki yaar टारगेट हो रहा था अगर कोई तो वो लड़का जा रहा था लेकिन अपना औरतों को छोड़ा है ना उन्होंने बच्चों को छोड़ा है ना उन्होंने बुजुर्ग को छोड़ा है गाइस वी शुड कंक्लूड द शो हालात वाकई में बिल्कुल सही नहीं है तो इट्स प्लीज़ प्रिकॉशंस लें सेफ जगहों पे जाएं और बी विजिलेंट और जाते जाते कोई मैं जगह सेफ नहीं है जी कोई जगह सेफ नहीं है आपका घर भी सेफ नहीं है और जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि आई डोंट नो हालात कैसे होंगे कि मैं आगे शो कर सकूं या नहीं कर सकूं नहीं मतलब ऑफिस पहुंच सके या नहीं पहुंच सके लेकिन जो ये गवर्नमेंट अपने 5 साल सेलिब्रेट करी है थिंक अबाउट इट इलेक्शन करीब है क्या वाकई में आपको सेलिब्रेट करना चाहिए 5 साल आपका वोट सब कुछ कर सकता है नहीं नहीं मैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या वाकई में आपको अपने 5 साल सेलिब्रेट कोई और गवर्नमेंट बताइए तो सही जो रही सेलिब्रेट वो क्यों रहे हैं हम सबको पता है वो किस सर्कमस्टांसेस में रहे हैं जीशान और उन्होंने क्या किया है वो हमारे सामने है लेकिन वाकई में अब क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है आई होप इलेक्शन हों एंड आई थिंक उससे ज़्यादा मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग अपना उस वोट को कंसिडर करें और उस पावर को हम पहचानें और उसको जानें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यस इट इज On this, we're going to end the show. Stay safe. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.